हेलो स्टैंडर्ड वन, आज मैं आप लोगों को पार्ट 21 हाथी की बारात कविता पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता जंगली जानवरों की है, जो जंगल में जंगली जानवर वे होते हैं जो जंगल में रहते हैं। तो जंगली जानवरों में से हाथी की आज शादी है, और हाथी की बारात में जंगल के सभी जानवर सज धज कर अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे पोशाक, अच्छी टोपी पहनकर तैयार हुए हैं, और वे सभी हाथी की बारात में जाने के लिए तैयार है। इस कविता में सबसे पहले आप ये जानिए कि हाथी की बारात में सभी अपने अपने ढंग से तैयार है। जिस तरह जब हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या सगे संबंधी में जब किसी की शादी होती है, तो हम जो स्पेशल यूनिफॉर्म होता है, जो अच्छे सुंदर कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को पहनकर अच्छे से तैयार होकर उस बारात में या उस शादी में जाते हैं। उसी तरह जंगल के सभी जानवर अच्छे से तैयार हुए हैं और हाथी की बारात में जाना चाहते हैं। इस कविता में दुल्हा हाथी बना है, ठीक है ना। हाथी को क्या बना है? दुल्हा बना है। दुल्हा बनकर बैठा हाथी पूरा जंगल बना बराती। हाथी दुल्हा बनकर बैठा है, अब पूरा जंगल उसके साथ उसके बराती बनकर जा रहे हैं, ठीक है ना। जंगल के सभी जानवर हाथी की बारात में बराती बनकर जा रहे हैं। बिल्ली बिंदियां लगाकर आई उस बारात में, बिल्ली बिंदियां लगाकर आई है, छोटे बच्चे साथ है लाई। बिल्ली के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी बारात में आए हैं। बिल्ली बिंदियां लगाकर आई है, बिल्ली के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो कि उसके साथ बारात में आए हैं। फिर उसी तरह गीदड़ तैयार होकर आता है। गीदड़ सूट पहनकर आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया। गीदड़ सूट पहनकर आया है और वो ठुमक ठुमक कर बाराती में नाच रहा है, ठीक है ना। बारात में क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। कैसे नाच रहा है गीदड़? ठुमक ठुमक कर नाच रहा है। अब हिरन की बाड़ी है। हिरन चल रहा मस्त चाल। हिरन कैसी चाल में चल रहा है? मस्त चाल, मतलब उसके चलने की जो अंदाज है वो बहुत अनोखी है। हिरन मस्त चाल में बाराती में चल रहे हैं। भालू के बिखरे हैं बाल। जैसे आप शैम्पू लगाकर शादी में किसी शादी में जाने से पहले या फिर वैसे भी शैम्पू लगाते हैं तो आपके बाल हवा में बिखर जाते हैं, ठीक उसी तरह भालू जब बाराती में जा रहा है तैयार होकर, तो उसके बाल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। भालू के बिखरे हैं बाल। हिरन कैसे चाल में चलता है? मस्त चाल में। और भालू के बाल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। चिड़ियां चीची करती आई। चिड़ियों की आवाज़ को हम क्या क्या कहते हैं? चहचहाट। चिड़ियां कैसे बोलती हैं? चीची करके। चिड़ियां चीची करती आई, खुशियों का संदेशा लाई। चिड़ियां बाराती में चीची करती हुई आई है, और वो जिस तरह बाराती में ढोल बाजे नगाड़े बजते हैं तो बाराती की शोभा सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं, उसी तरह उस बाराती में चिड़ियां चीची करती है वो आई है, और वो खुशियों का संदेशा, मतलब खुशियों का संदेशा लेकर बाराती में आई है। पीपी पीपी पपीहा बोले, अपनी मस्ती में सब डोले। पपीहा पीपी का स्वर अलाप रहे हैं और सभी अपनी अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। सभी खुश हैं बाराती में, सभी अपने अपने अंदाज में अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं, और सभी बहुत खुश हैं क्योंकि हाथी की शादी होने वाली है, और हाथी की शादी में जंगल के सभी जानवर बाराती बनकर आए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह जब हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी की शादी होती है, तो हम तैयार होकर अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सज धज कर जाते हैं, उसी तरह जंगल के सभी जानवर हाथी की बारात में तैयार होकर उसके बारात में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस पाठ को आप कविता अच्छे से याद करेंगे, और जितने भी प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको भेजूंगी, उसको सुंदर लिखावट में आप कॉपी में पूरा करेंगे, ठीक है।
थैंक यू क्लास। और जो वाक्य प्रयोग मैंने आपको दिया है, वाक्य प्रयोग मतलब आपको उस शब्द से वाक्य बनाना होता है। और वाक्य का वाक्य किसे कहते हैं, जब शब्दों को हम सही क्रम में रखते हैं, शब्दों को सही क्रम में लिखकर एक वाक्य का निर्माण होता है। तो उसी तरह आपको वाक्य बनाना है, मैंने क्लास वर्क में करके भी दिखाया है। उसी तरह जो भी शब्द आपको 1 से 8 तक मिला है, उसका वाक्य प्रयोग कॉपी में अच्छे से लिखकर और फिर उसे पूरा करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।